उत्तर प्रदेश जनपद संभल में पंचायत चुनाव से पूर्व संभल पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की, जिसमें पुलिस ने एक माह के भीतर 200 अपराधियों को जिला बदर किया। वहीं जिला बदर के बाद भी जिले में रह रहे करीब एक दर्जन जिला बदर अपराधियों को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि पंचायत चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले एक माह के भीतर जिले भर में 200 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। वहीं जिला बदर के बाद भी जिले में रह रहे 11 जिला बदर अपराधियों को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगामी चुनाव में शांति व्यवस्था को खतरा पैदा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। पुलिस की कार्यवाही से अपराधियों में खलबली मची हुई है। पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए संभल पुलिस द्वारा अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले एक महीने में लगभग 200 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। जिला बदर होने के उपरांत भी कुछ ऐसे अपराधी हमारे सामने आए जो अभी भी जिले में रह रहे हैं। इनका कल रात को 24 घंटे का चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 थाना कोड़ फतेहगढ़, 1 धनारी, 4 संभल और 4 बहजोई थाने के अपराधी हैं। इनको ऊपर दोबारा से मुकदमा पंजीकृत करके इनको अभी माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। इस तरह के लगातार पंचायत चुनाव को लेकर हम लोगों की प्रिवेंटिव कार्यवाही जारी रहेगी और पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए संभल पुलिस तत्पर रहेगी। सर, जनपद के गुन्नौर तहसील में तरीके झम्मन यादव का एक व्यवस्था बताया जाता है, जिसके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज हैं, क्या उसके खिलाफ भी जल्दी कार्रवाई की गई है? जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार इस अपराधी के विरुद्ध 307 का मुकदमा अभी हाल में लिखा गया है, जिसकी विवेचना चल रही है, इसमें न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। सर, 40 मुकदमे दर्ज हैं, सर उसके खिलाफ कोई सूची में नाम भी नहीं है सर? किस सूची में? इस सूची में सर, इसमें जिला बदर वालों का जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये जिला बदर के अपराधियों का है, उसके अलावा